गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे थे। नॉन फाइनाइट वर्ब में मैंने बताया था, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, कि नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है, इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के बारे में मैंने बताया था कि ये तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। आज हम लोग पार्टिसिपल का यूज पढ़ते हैं। आप लोग इसे नोट बनाते चलिएगा और ये आपको भविष्य में काम देंगी, क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट में या कभी भी सिंथेसिस पढ़ेंगे तो सिंथेसिस का पहला चैप्टर पार्टिसिपल ही है, यूज ऑफ पार्टिसिपल ही है। तो इसको आप देख लेते हैं, इसे नोट करते चलिएगा। यह यूज ऑफ पार्टिसिपल फर्स्ट रूल है, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, किंतु दोनों के बीच में यदि आवश्यकता हो तो नाउन या प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जा सकता है। कीप, वर्ब कौन कौन सी है, कीप, स्मेल, गेट, कैच, इमेजिन, फाइंड, लीव, सेट, हियर, सी, स्टार्ट, ETC। इन वर्ब्स के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इन दोनों के बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन भी रखा जा सकता है। एग्जाम्पल देख लें, ही केप्ट मी वेटिंग, यहाँ केप्ट वर्ब के और ये वेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में इस प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल है, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता बताता है तो वह उस नाउन के पहले आता है। जब कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता बताता है तो उसका प्रयोग उस नाउन के पहले करना चाहिए। एग्जाम्पल देख लें, डॉग्स बार्किंग सेल्डम बाइट। अब यहाँ पर बार्किंग जो है ये डॉग्स के लिए आया है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसे इसके पहले होना चाहिए। ये सेंटेंस गलत है और सही होना चाहिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। नोट कर लें आप लोग। अब ये रूल्स देख लेते हैं। यदि पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य पास्ट में समाप्त हो गया है, पास्ट का मतलब भूतकाल में समाप्त हो गया है, और वो किसी नाउन की विशेषता या दशा बता रहा है, तब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है। अगर कोई पार्टिसिपल द्वारा किया गया, पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया हो और वो किसी नाउन की विशेषता या दशा बता रहा हो, तब उस पार्टिसिपल का प्रयोग उस नाउन के पहले करते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई सा ए स्नैक उंडेड, यहाँ पर उंडेड का प्रयोग किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है, और ये पास्ट में समाप्त हो चुका है और स्नैक के लिए आया, स्नैक की विशेषता बता रहा है, इसकी दशा बता रहा है, तो इसका प्रयोग इसके पहले करना चाहिए। तो ये हो जाएगा आई सा ए उंडेड स्नैक। ये इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में सिंटैक्स में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है। निम्नलिखित वर्ब्स के बाद पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है। ये वर्ब्स कौन कौन सी हैं, फाइंड, फील, मेक, गेट, विश, वांट, हैव। ये वर्ब ऐसी हैं, इनके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लें, सी गॉट हर हाउस रिपेयर्ड, यहाँ पर ये रिपेयर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, गॉट वर्ब के बाद ये एक नाउन आया है, उसके बाद इस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। नोट कर लें। अब इन रूल्स को देख लेते हैं। जहां पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो वहां परफेक्ट पार्टिसिपल का, ये
प्रत्येक वाक्य में पार्टिसिपल का संबंध नाउन या प्रोनाउन से होना चाहिए, ये रूल आप नोट कर लें। इसके बाद हम और इसका एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, नोट कर लें। इसके पहले आपने रूल पढ़ा कि प्रत्येक पार्टिसिपल का संबंध नाउन या प्रोनाउन से होना चाहिए। जैसा आपको बताया गया है कि पार्टिसिपल वर्ब तथा एडजेक्टिव को काम करता है, तो वर्ब भी किसी सब्जेक्ट अर्थात नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड होता है और एडजेक्टिव भी किसी नाउन या प्रोनाउन से ही रिलेटेड होता है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा, प्लेइंग इन द गार्डन ए स्नैक बिट मी। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका संबंध किसी नाउन से होना चाहिए, प्रोनाउन से होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, प्लेइंग इन द गार्डन आई वॉज बीटन बाई ए स्नैक। या तो ये लिख दीजिए या तो फिर आप लिख सकते हैं वाइल प्लेइंग इन द गार्डन ए स्नैक बीट मी। ये दोनों सेंटेंस सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है और ये गलत है। हम आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखा करिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।